निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की पदाधिकारी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मेरे पास टिप है जिसका खुलासा लोकसभा में करेंगे। पप्पू यादव का यह बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पदाधिकारी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उसका टेप रिकॉर्ड भी मेरे पास है जिसका खुलासा लोकसभा में करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की पप्पू यादव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के पदाधिकारी के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे पास टेप है और लोकसभा में जिसका हम खुलासा करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया। दरअसल पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के पदाधिकारी के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है और इस पूरे बात में कितनी सच्चाई है और क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव ने कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई आरोप जो है उन्होंने लगाया। साफ साफ कहा कि जो झारखंड में सरकार बनने जा रही है उसमें हमारी पूर्ण तरीके से बहुमत होगी। इसके अलावा उन्होंने कई अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने वीडियो दिखाकर कहा कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं वो किस तरीके का हरकत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने कई आरोप जो है वो भी लगाए हैं। देखिए, खासकर जब पप्पू यादव ने ये बात साफ कही कि जो पूर्णिया एयरपोर्ट निर्माण की मंजूरी दे दी गई है उसके बाद भी राज्य सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है, जो राज्य सरकार है उसको दुरुस्त होकर काम करना चाहिए, तो इस तरीके के कई आरोप जो उन्होंने लगाया है। साथ ही साथ पप्पू यादव ने यह भी कहा है कि जो झारखंड में वो पहुंचे थे और 50 सीटों को लेकर दावा करते हुए कहा कि ये 50 सीटें जो है वो हम इस बार जेएमएम के साथ झारखंड में जीतने जा रहे हैं। नैना, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और पप्पू यादव ने एक बार फिर से यह बड़ा आरोप लगाया। दरअसल नीतीश कुमार के पदाधिकारियों के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया है और उन्होंने दावा भी किया कि इसका टेप रिकॉर्ड भी है मेरे पास जिसका हम लोकसभा में खुलासा करेंगे। अब बिल्कुल, देखिए पूरी तरीके से पप्पू यादव ने कई बार फ्रंट फुट पर आकर नीतीश कुमार की नीति पर सवाल खड़ा किया था। कई बार ऐसी तस्वीरें भी नजर आई जहां पर पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से करप्ट है। अब ऐसे में पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बात साफ कही और बताया कि कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है उनके पास है जो संसद में रखे जाएंगे। संसद का जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा उस वक्त ये तमाम चीजें रखी जाएंगी। तो कह सकते हैं कि पप्पू यादव ने पूरी तरीके से नीतीश कुमार के अधिकारियों पर, उनके सुशासन पर सवाल खड़ा किया और कहा है कि उनके यहाँ केवल अधिकारियों का बोलबाला। हाँ ठीक है, उत्कर्ष आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का यह बड़ा बयान सामने आया। दरअसल पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के पदाधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।